विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। देवी के प्रहार ने मेरा आकार छोटा कर दिया। अभी तो केवल तुम्हारा आकार ही लघु किया है, अब तुम्हें संसार से भी लुप्त कर दूंगी। छोटे से घुंघरू में मेरा आकार घटाने से, मुझे यहाँ भेजने से कुछ नहीं होगा देवी। सृष्टि का संकट नहीं टलने वाला। इस अकाल के आतंक का अंत इस आतंकी के अंत से ही जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे और अपने अस्त्रों के प्रहार से सृष्टि को बचा लिया है, क्योंकि तो अब ये युद्ध मेरे कर्ण आभूषण के घुंघरू के भीतर ही होगा। किंतु मेरे फैलाए आकाल से संसार कैसे सुरक्षित होगा? ना ही मेरा अंत संभव है, ना ही इस अकाल का अंत तो हमारी सृष्टि का होगा। कदाचित यही केंद्र है इस अकाल का, क्योंकि यहाँ की भूमि पूर्ण रूप से सूखी पड़ी है। और मुशक जी, आपको सर्वाधिक प्यास भी यहीं लगी और उस असुर की चित्कार भी यहीं से आ रही है, किंतु माता कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? अब तो माँ आ गई है, तो अब हमारे भला क्या आवश्यकता? वो इस अकाल को अवश्य रोक देंगी। चलिए हम लोग लौट चलते हैं। नहीं मूषक जी, संकट का अंत हुए बिना लौटना उचित नहीं, और आपकी प्यास तो तभी बुझेगी जब अकाल का अंत होगा। तो अब हमें माता को ढूंढना चाहिए और उसे भी जिसने इस अकाल की स्थिति को उत्पन्न किया है। अस्त्रों के टकराने की ध्वनि तो आ रही है, किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ऋषि पुलस्त्य, ऋषिवर गिरकर आहत हो जाएंगे। सर्वप्रथम मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। कौन है ये जिन्होंने मेरी रक्षा की? प्रणाम गजानन, मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, आपकी रक्षा मैंने नहीं, आपके तप के फल ने की है। विकट परिस्थितियों में मनुष्य के सुकर्म ही उसकी ढाल बनते हैं, फिर वो कोई महामारी हो, अकाल हो या ऐसी कोई आपदा। किंतु मैं अभी भी ज्ञात नहीं कर सका हूँ कि संकट के पीछे कौन कुकर्मी है और माता कहाँ है। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, इस महासंकट का कारण वो महासुर गजासुर द्वितीय है और माता वहां उस असुर के साथ युद्ध कर रही हैं। ओह, तो ये युद्ध माता के कर्ण आभूषण के टूटे घुंघरू के भीतर हो रहा है। असुरों का अंत करता है मूर्ख। न खड़क न कोई अन्य अस्त्र मेरा अंत कदापि नहीं होगा, किंतु मैं तुम्हें अवश्य आहत करूंगा देवी। आश्चर्य है। असुर गजासुर द्वितीय की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और माता के प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप ही किसी युक्ति से माता की सहायता क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक माता स्वयं मुझे इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती, ऐसा करना उनका अपमान होगा और तब माँ के कोप के प्रकोप का भागी मैं भी बन सकता हूँ। मायावी शक्ति क्यों ना, किंतु मेरे हाथों से तुम्हारा अंत होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा अंत करूंगी तभी रुकूंगी मैं। संहार मेरा नहीं, सृष्टि का होगा मेरे अकाल से। प्रकृति के साथ इस प्रकार की क्रीड़ा करने का दुस्साहस जिस किसी ने भी किया है, माता के क्रोध को जिसने भी जागृत किया है, उसे इसका दंड मिलने का समय अब आ गया है। गजासुर द्वितीय पराजय स्वीकार नहीं करेगा देवी, निरंतर वार करेगा। इस प्रकार तो ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। इसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए, माँ की सहायता करने के लिए मुझे इसका भाग बनने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। देवी, लगता है तुमने ठान ही लिया है कि धरती का अंत करके ही थामोगी। उचित है, तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी तुम्हारी सृष्टि का अंत करके ही रुकूंगा। क्या करूं मैं जिससे माँ मुझे अवसर दे, अपना सहायक बना ले। युद्ध के निर्णय का समय आ गया है, अब और नहीं। अचानक कहाँ दृश्य हो गया ये? जय माँ, जय माँ, जय माँ चंडी, जय माँ। मदिरा का इस उत्सव का, क्योंकि ये युद्ध तो आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। विजय हुई हमारी। असुर सम्राट भगवान सुरंगना की मेरी मदिरा कैसे समाप्त हो गई? सब कुछ सूखने क्यों लगा? इस अकाल का प्रभाव महेंद्रपुरी पर भी होने लगा। हमारा दाव उल्टा कैसे पड़ गया? हमारी योजना का एक ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा छोड़ा हुआ विषधर सांप हमें ही डसने लगा है। ये क्या हो रहा है? सत्य है, बुरे कर्म उस बाण के समान ही हैं। ये स्वयं पर ही लौटकर आघात प्रकट करते हैं। दूसरों के लिए विपत्तियों का कुआं खोदने वाले स्वयं उस कुएं में जा गिरते हैं। ये कैसी परिस्थिति बन गई है? धरती का रक्त सोखकर ये महेंद्रपुरी को मरुभूमि बना रहा। जल के अभाव में ये असुर एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। शीघ्र कुछ कीजिए। धरती के जल रत्न को व्यर्थ करने के पूर्व यदि उसके महत्व पर विचार न किया तो ऐसी दुर्दशा तो निश्चित ही है। आपने उचित कहा था। माँ, विफल हो गई हमारी चाल। गजासुर द्वितीय हम पे ही भारी पड़ गया। ना चाल विफल हुई है और ना गजासुर द्वितीय। जय माँ चंडी, जय माँ। अभी नहीं, अभी संकट टला नहीं है। गजासुर द्वितीय का अंत नहीं हुआ है। देखिए, अभी अकाल समाप्त नहीं हुआ, अर्थात वो जो इस अकाल का कारण है अभी जीवित है। श्रम तो बहुत किया है ना, थोड़ा विश्राम तो बनता है ना देवी। और कुछ क्षणों के लिए मैंने आंखें क्या मूंद ली, आपने तो मुझे मृत समझ लिया। देवी, इतना सरल नहीं है मेरा अंत। ताप नहीं, शाप हूं मैं, सबको सर्वनाश मैं। माता कभी विफल नहीं हो सकती, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। किंतु इस दुष्ट की रहस्यमयी शक्ति की ओर कदाचित मुझे ही उनका ध्यान आकृष्ट करना होगा। देवी, सहस्त्र गजों के शक्ति के स्वामी गजासुर द्वितीय के समक्ष विफल हो गई तुम्हारी शक्ति, और अभी तो ये युद्ध का आरंभ मात्र है। अंत तो धरती के अंत के साथ ही होगा। मूषक जी। जी प्रभु। उचित अवसर है, इस युद्ध का भाग बनने का उपाय सूझ गया मुझे। कैसे प्रभु? कोई भी तभी सार्थक है जब उसमें जय और पराजय का निर्णय हो। युद्ध चलता रहे और कोई निर्णय ना हो तो ऐसे युद्ध का क्या लाभ? अच्छा गजमुख, उचित ही कहा तुमने। मैं इस देवी को विश्राम करने का पूर्ण अवसर दूंगा। इससे ये पुनः अपनी शक्ति एकत्रित कर सके और ये युद्ध अपने निर्णय की ओर बढ़ सके। विश्राम की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। नहीं, विश्राम की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो फिर आओ, मेरा वार स्वीकार करो। प्रभु, माँ क्रोध के कारण रुकने के लिए तैयार नहीं, और ये दुष्ट अपने अहंकार के कारण। अब तो आपको ही अपनी बुद्धि और युक्ति का प्रयोग करना होगा प्रभु। जब बड़े क्रोध में हो तो उन तक अपनी बात बड़ी सावधानी से पहुंचानी चाहिए। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे माता क्रोध में भी मेरा संकेत समझ जाए और ये अहंकारी मेरी युक्ति ना समझ पाए। वीर और सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने शत्रु को अपनी शक्ति एकत्र करने के लिए विश्राम का भी अवसर देता है, और ऐसा वो ही योद्धा कर सकता है जिसे अपने बल और तप पर पूर्ण विश्वास हो और इस अवस्था में वो वार नहीं करता, अपितु अपने विरोधी योद्धा का युद्ध भूमि में पूर्ण शक्ति के साथ आने की प्रतीक्षा करता है। तभी योद्धा को अपनी जय का वास्तविक आनंद आता है। मैं तुम्हारा संकेत समझ गई पुत्र गणेश। यदि इस युद्ध विराम से तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होता है तो यही सही। सत्य है, मेरी शक्ति का वास्तविक प्रयोग, उसकी परीक्षा तभी होगी जब मैं इस देवी को इसकी पूर्ण शक्ति के साथ पराजित करूंगा। सोमनंदी जी। मूषक जी आइए, अब योजना का दूसरा भाग क्रियान्वित करें और इस असुर को उकसाएं कि वो मुझे भी युद्ध में सम्मिलित करे, क्योंकि माता तो इसकी अनुमति कदापि नहीं देंगी। ये कचमुख बालक मेरी ओर क्यों बढ़ता चला आ रहा है? मूषक जी आप बस चुपचाप खड़े रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी दृष्टि मुझ पर क्यों टिकी है? तुम तो परिचित लग रहे हो। ओहो समझा, तुम तो गजासुर के पुत्र हो, वही असुर जो अपने आप को महासुर मानता था किंतु मेरे पिताश्री के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। बस शिव पुत्र हो गए तुम, किंतु मुझसे नहीं बच सकोगे। ये तो क्रोध में आग में भुना हो रहा है। हाँ मूषक जी, यही तो चाहिए। बड़ी भयंकर मृत्यु हुई थी उनकी। मेरे पिताश्री के परम भक्त नंदी जी ने उधर चीर दिया था उनका। मेरा प्रतिशोध तो उससे भी भयंकर होगा। धरती का वक्ष चीर कर उसका संपूर्ण रक्त सोख लेगी मेरी शक्ति। उसके बाद मैं तुम सबका अंत करूंगा। प्रभु, इसके बढ़ते क्रोध से तो मेरी प्यास और भी बढ़ रही है। आश्चर्य, मूषक जी के श्वेत की बूंद के स्पर्श से इतना विचलित हो गया है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा गजासुर द्वितीय, किंतु तुम हो तो भाग्यशाली जो अभी तक जीवित हो, क्योंकि माता का हृदय तो माता का ही होता है। वो तो अपने शत्रु को भी अनेक अवसर देती हैं, उन पर दया करती हैं। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा होता तो अब तक तुम काल के गाल में समा गए होते। अच्छा, इतना विश्वास है स्वयं पर, तो तुम भी मुझसे क्यों नहीं युद्ध कर लेते? हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य करता युद्ध, किंतु बस माता की अनुमति चाहिए, क्योंकि आप अकेले हम दो से युद्ध करें और हम आप पर भारी पड़ जाएं, ये तो उचित नहीं होगा ना। हाँ, मेरी भुजाएं भी युद्ध के लिए भड़बड़ा रही हैं। अब और विश्राम नहीं, मैं तुम दोनों माता और पुत्र को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। देवी, दे दो अपने पुत्र को अनुमति, मैं भी तो देखूं ये केवल बातें करता है या युद्ध भी। मूर्ख असुर, तेरे लिए तो मैं अकेली ही पर्याप्त। चलो युद्ध आरंभ करो। भयभीत हो गई ना कि कहीं तुम्हारा ये पुत्र मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। मेरी तपोशक्ति और बल के आगे माँ की ममता जा गई। तुम्हारी यही इच्छा कि तुम्हारा अंत हम दोनों के हाथों से हो तो उचित यही होगा। कभी कभी किसी अति सूक्ष्म घटना में भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान छिपा रहता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।